बुडमल ज्वेलर्स पालमपुर, भरोसा उम्र भर का। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के सह प्रभारी संजय दत्त अपने मंडी प्रवास के दौरान पदाधिकारियों सहित कार्यकर्ताओं को चुनावों में एक साथ मिलकर कार्य करने की नसीहत दे गए। संजय दत्त ने मीडिया से सुंदरनगर में बातचीत करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत बनाने को लेकर बतौर सह प्रभारी कार्यभार सौंपा गया है। अपने दौरे के दौरान सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मिलकर फीडबैक ली गई। उन्होंने कहा कि चुनावों में पूरी टीम द्वारा मिलकर ही विजय प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लिए 2022 के चुनाव एक चुनौती है और मंडी उपचुनाव भी कभी भी शुरू हो सकते हैं। मंडी उपचुनाव का असर 2022 में होने वाले चुनावों पर पड़ेगा। संजय दत्त ने कहा कि मंडी उपचुनाव जरूरत से ज्यादा महत्वपूर्ण है। सोनिया जी और राहुल जी के निर्देश अनुसार जो मुद्दों पे सरकार, भाजपा की सरकार, केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार आम जनता को प्रताड़ित कर रही है, उन सभी विषयों पे और ज़्यादा आक्रामकता से हम जो है आंदोलन करेंगे, जनता की आवाज़ बनेंगे। और ये सरकार जो है हर क्षेत्र में विफल रही है और इस सरकार की जो देन है जनता को, एक तो हमने देखा कोरोना की महामारी जिसमें पूरी तरीके से ये विफल रही, दूसरा महंगाई कि जो आसमान छू रही है कीमतें, और तीसरा बेकारी जो कि बेरोजगारी का प्रतिशत इतना बढ़ गया है कि पूरे देश में उस विषय से हाहाकार मचा हुआ है। बहुत सी बातें हैं, चर्चा आपस में हुई, संगठन के विषय में और गति लाने, मजबूत करने, आने वाले चुनाव की तैयारियों की समीक्षा। अब पूरे तरीके से कांग्रेस पार्टी सक्षम है, हर चुनौती का सामना करेगी और जनता के लिए लड़ेगी। उज्जवल हिमाचल के लिए मंडी से उमेश भारद्वाज। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन।